से जाएंगे, उनको एक जगह बैठाने, उनसे भी मिलने। उस वर्तमान की विचित्र उपस्थितियां थी, तो उस कारण से का निमंत्रण हमारा उधार गला था। हम रोज कोशिश करते रहे आगे के लोगों हमारा पूरा आगे को शरीर अब टाइम मिले, लेकिन आज हमको टाइम मिला हमारे प्रिय श्री सुनील शुक्ला जी और बागेश्वर हनुमान जी के बड़े ही अनुयायी हैं, संतों के लाडले। उन्होंने कहा गुरु जी भले ही चाहे जैसे दो मिनट को आ जाओ, और हमारे मन में भी लगा के बहुत दिन से शुक्ला जी श्रद्धा पूर्वक लगे हैं, हमें इस बहाने कानपुर की पगलन के दर्शन हो गए। नमोस्तु सीता पति पादुकाभ्याम, राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आप हमसे मर जाते हैं कर कर खोसेगा। मान की आज हम जो है पूर्व में कानपुर में पवन तनय आश्रम में कथा होनी थी, तो हम किसी कारणवश उस वक्त की परिस्थितियों के कारण स्थगित हो गई थी। आज हम पवन तनय आश्रम दर्शन करने आए, उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं। सभी कानपुर में रहने वाले लोगों से एक ही प्रार्थना है, हम सब हिंदू एक हों चाहे पंथ अनेक हों, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक हों। राजनेताओं पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, ना राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते, हमसे पूछो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है, होना ही चाहिए। ये विरोध करने वाले रावण के खानदान के हैं, इनकी ठठरी बारो। हिंदुओं के देश में रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी, हिंदुस्तान में राम के राष्ट्र में अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी? हम किसी भी राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते, बिना राजनीति के पूछो। 10 रुपया की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटा। कानपुर में पवन तनय आश्रम में आए, हमारे प्रिय सुनील शुक्ला जी मुख्य यजमान जी के घर पर आए, ठीक है। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.